आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लाबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लाबा के साथ अब स्टूडियो आज लाइव हैं और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, किसान नेता अन्नू सूरा, युवा हैं बिल्कुल, और किसानों के साथ पिछले 6 महीने से कंधे से मिला के चल रही हैं और बेबाक तरीके से बात करती, बेबाक तरीके से फाइट कर रही है किसानों के बीच जाके। और मेरे साथ दूसरी किसान नेता सुदेश गोइत, टीक रिपोर्टर पर लगातार 6 महीने से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, ना डरती है, ना थकती है, ना झुकती है, और लगातार वहां सेवा भी कर रही है, पानी पिलाना, चाय पिलाना, खाना खिलाना। और मेरे पास सबके जाने पहचाने चेहरे मेरे साथ हमेशा स्टूडियो से लाइव होते हैं गाली सुनने के लिए, सुनील एडवोकेट, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और अच्छे नेता हैं और अच्छी खासी इनकी बीजेपी में पकड़ है और अच्छे वक्ता भी है और साथ साथ ये एडवोकेट हैं। तो सबसे पहले अनु जी, आपका हरियाणा न्यूज 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सुदेश गोयल जी, आपका भी हरियाणा न्यूज 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। जी एडवोकेट साहब, सुनील जी नमस्कार, स्वागत आपका भी। नमस्कार लांबा साहब, और मातृ शक्ति को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार लांबा साहब, धन्यवाद जी। कितना भी लॉलीपॉप दे लो, आज बचने वाले नहीं है आप जी। तो जी, सबसे पहला हमारा आज का खास मुद्दा रहेगा किसान आंदोलन को लेके, हिसार में जो कहीं ना कहीं राजनीतिक के लेके कोई सियासत तो नहीं की जा रही है किसानों के ऊपर, बड़ा मुद्दा रहेगा। किसानों को केस माफ कर दिए जाते हैं, उसके बाद किसानों के ऊपर केस मंड दिए जाते हैं, तो आखिर है क्या? मुख्यमंत्री जाने के बाद ही किसानों पर कार्रवाई क्यों होती है, क्यों अटैक किया जाता है लगातार किसानों के ऊपर? और ऑक्सीजन और जो ये आइसोलेशन में जो लोग हैं उनके घरों तक सुविधा अब तक पहुंच नहीं पा रही, तो कारण क्या है, किसान नेताओं से जानेंगे। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को तोड़ने की साजिश तो नहीं है, मेरे साथ दो किसान नेता, इनसे ये भी जाने, लगातार कह रहे हैं कि हमारे किसान आंदोलन को तोड़ने की साजिश की जा रही है, ये भी हमारे साथ खास आज विशेष परिचय रहेगी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सुदेश जी, सबसे पहले प्रश्न आपसे ले लेते हैं। आप आर्मी में भी हैं और आपके सारा पूरा परिवार आर्मी के अंदर है और आप 6 महीने से लगातार टीकरी बॉर्डर पे लगातार लगे हुए हैं, उसके बाद अन्नू जी के पास पहुंचते हैं, इनसे भी कई क्वेश्चन हैं। ये लगातार फाइट करती है, ना डरती है, ना झुकती है, और बेखौफ होकर पुलिस के बीच में चली जाती है अकेली, इनसे भी जानेंगे। सुदेश जी, क्या लगता है जो हिसार में हुआ, आप भी हिसार से आती हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं ये किसानों के साथ कोई साजिश है या किसानों के ऊपर राजनीति की जा रही है, क्या लगता है, आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी का काम ही हमेशा से इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन हिसार में जो किया पुलिस प्रशासन ने, उससे हम बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं उसकी। उन्होंने हमारे किसान भाई बहनों को पहले धोखे से बुलाया और फिर उन पे हमला किया, और सबसे सबसे जो बात हमें दुख पहुंचाई, पुलिस कर्मियों ने, पुरुषों ने हमारी महिलाओं की जो डंडे बरसाए, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पुलिस अगर महिला पुलिस अगर हमारी बहनों को मारे, हमें डंडे खाने, 7 साल से हम, मैं जंतर मंतर पे दिल्ली की पुलिस के डंडे खा रही हूँ, अभी हरियाणा का भी खा रहे हैं, लेकिन हम पुलिस के डंडों से नहीं डरते। लेकिन अगर कानून में डंडा मारे, हम पुलिस महिला मारे, तो हमें कोई एतराज नहीं। पुलिस वाले भाइयों ने जो हमारी बहनों के डंडे मारे, वो दूसरा पुलिस कर्मियों ने पत्थरबाजी की, वो कौन से संविधान में लिखा है? पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ सकती है, डंडे मार सकती है, लेकिन पुलिस पत्थरबाजी नहीं कर सकती। गुंडों की भांति उन्होंने पत्थर फेंके हैं किसानों पे, निहत्थे किसानों पे फेंके हैं, एक गली में एक प्लान के साथ उनको, एक तंग गली में उनको इकट्ठा करके अलग अलग टुकड़ों में बांट के उनके ऊपर हमला किया गया। क्या वो आतंकवादी थे? सुदेश जी, क्या लगता है, मुख्यमंत्री जाने के बाद अटैक होता किसानों पे, क्या क्या लगता है, क्या कहेंगे इस चीज को लेके? सिर्फ साजिश थी और किसान इसका बदला लेके रहेंगे। अनुशासन में बैठे हुए हमें 6 महीने हो गए, हम हमेशा हमारे आगू हमेशा एक ही सलाह देते हैं कि अगर पुलिस डंडे मारे तो आप हाथ नहीं उठाएंगे, डंडा सहेंगे, सहन शक्ति खत्म हो गई, उसने बीजेपी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी जी। सूरज जी, हाँ जी, सूरज जी आपसे जान लेते हैं, कई गांव ने बहिष्कार कर दिया है, लॉकडाउन नहीं मानेंगे, ना सरकार के पास जाएंगे, ना कोई चीज खरीदेंगे, ना हमारे गांव की कोई चीज देंगे सरकार को, और अब सरकार का कोई भी लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने वो हिसार में देखा, सैकड़ों लोगों के साथ वहां पे उद्घाटन करने पहुंच गए हॉस्पिटल का, तो किसान कह रहे हैं कि वो चंडीगढ़ से भी हो सकता था,
यहाँ इतने लॉकडाउन का पालन उन्होंने क्यों नहीं किया, क्या गरीब लोगों के लिए आम जनता के लिए लॉकडाउन का पालन आप कह रही है बार बार, तो क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? कई गाँव ने बहिष्कार कर दिया और आप किसानों के बीच में रहती है रोज। बिल्कुल, देखो बहिष्कार तो किसानों ने सिर्फ लॉकडाउन का नहीं सरकार का किया हुआ है। सरकार को समझना चाहिए राज जो होता है राज लोकलाज से चलता है। इन लोगों को शर्म ही नहीं है कि पब्लिक आपसे क्या अपेक्षाएं रख रही है। आप तानाशाही पे उतर आए हैं, ये सरकार तानाशाही पे उतर आई है। गांव के गांव में पंचायत होगी और सरकारी जो एक फरमान है लॉकडाउन उसका विरोध हो रहा है, इस चीज का मतलब समझते हैं आप? बहुत बड़ा मतलब है इस, ये विद्रोह है। एक देश में जैसे हम पहले किताबों में पढ़ते थे कि फलानी सल्तनत में विद्रोह हो गया, लोकतंत्र बचा नहीं है इसलिए विद्रोह हो रहे हैं। तानाशाही में तो विद्रोह ही होते हैं। जो राजशाही देश में चल रही है, लोगों को तो घरों में बंद कर दिया गया है और ये जो राजा महाराजा हैं और इनके जो सेनापति हैं ये खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, तो विद्रोह तो होगा जी। सूरज जी, ये कहीं ना कहीं कोविड सेंटर बनाए गए थे आपके गाँव में हिसार में, वो भी लोगों ने बंद कर दिए और दुकानें खोल दी, लॉकडाउन का पालन नहीं करे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये एक अपनी जान के साथ खिलवाड़ इस तरीके से? क्या लगता है आप, किसान नेता हैं, किसानों के बीच में रहती हैं, क्या लगता है इस चीज को, क्या किस तरीके से देखती हैं आप? बिल्कुल, देखो मैं इस चीज को लंबे टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जहां बीजेपी के नेता जाते हैं वहां कोरोना नहीं होता। ये बड़ा क्वेश्चन है। बंगाल में नहीं होता, यहाँ पे ये उद्घाटन करने आते हैं सैकड़ों लोगों के बीच में, यहाँ नहीं होता तो शंका देखो उत्पन्न होंगी। बंगाल में आपकी लाखों लोगों की रैलियों में कोरोना नहीं होता। उसके बाद मतलब जो आपने सेंटर्स का कहा, वो सेंटर्स मैं मेरे घर का नाम रखती हूँ कोविड सेंटर, वो सेंटर थोड़ी बन जाता है क्या? वहां सुविधाएं क्या हैं? कल की ही बात है, ऑक्सीजन की कमी से जिस हॉस्पिटल का मुहूर्त हमारे माननीय खट्टर साहब करके गए थे, उस हॉस्पिटल में 3 लोगों की डेथ होगी, 3 शायद 8 आ रही है अब शाम को, क्योंकि वहां पे ना वेंटिलेटर है ना ऑक्सीजन है। आपने एक तंबू गाड़ दिया जी। 30 करोड़ की लागत से आपने 500 बेड का एक तंबू गाड़ दिया, पर एक बेड पड़ रहा है इनका लगभग 5-6 लाख रुपए का। तो बड़े क्रांतिकारी विकास करते हैं, ये किस तरह के हॉस्पिटल बन रहे हैं? तंबू गाड़ने को हॉस्पिटल थोड़ी कहते हैं, उनमें सुविधाएं भी तो हो ना, हॉस्पिटल ना उनमें डॉक्टर्स हैं ना उनमें स्टाफ पूरा है, तो उसका मतलब क्या है? आपने गांव के सरकारी स्कूलों का नाम बदल दिया बस, जैसे योगी जी बदलते थे यूपी में जी। ये हो रहा है। सुनील जी, बीजेपी के आप वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता हैं, अधिवक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस चीज को लेके? लंबा साहब, हम शुरुआत करते हैं इसको इस तरह से कि आंदोलन क्या है। कोई भी आंदोलन होता है, उस आंदोलन का एक एम होता है, किसी एम को लेके आप कोई आंदोलन करते हैं और फिर उसका कोई लीडर होता है। यहाँ लंबा साहब हालात ये कि आंदोलन तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई रीजन नहीं, कोई पर्पस नहीं है। ये कहते हैं 3 काले कानून। पहली बात तो ये थी, कानून लोगों की डिमांड से आए थे और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए आए थे, किसान हित में आए थे। इन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी स्टे लगा दी, यानी कानून तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। जो कानून जिस मुद्दे को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं वो मुद्दा ही नहीं है, तो फिर आंदोलन किस बात का? इसका मतलब आंदोलन नहीं है। दूसरी बात है लीडर्स की, इनके इतने लीडर्स हैं और अब सब लीडर्स के अपने अपने गोल्स हैं। आपने देखा होगा कि इस घटना के बाद भी बहुत से लीडर्स के बहुत से बयान आए, आपस में एक दूसरे के प्रति इनके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और उसके साथ साथ लंबा साहब, मैं ये और आपको बताऊं बात, इन्हीं लीडर्स हैं जो इनके टॉप लीडर्स हैं। पास अभी लौटते हैं इनके जो टॉप लीडर हैं, टॉप लीडर्स में आप देखेंगे जैसे अपने दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान जी हैं। लंबा साहब असेंबली में वो सपोर्ट करते रहे इन बिल्स को। लंबा साहब बड़ौदा के अंदर 1 महीने तक सपोर्ट करते रहे इन बिल्स को, लेकिन जैसे ही यहाँ हमारी पंचायतों में आए तो आते ही उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, भाषा बदल दी। वही राकेश टिकैत जिन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवाई, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में बयान दिए, कहा कि मेरे बाबा का सपना पूरा हुआ कि जो ओपन मंडी सिस्टम हुआ, लेकिन एक नया जब उन्हें एक नई चीज दिखाई दी, कहीं और नया इशू होता दिखाई दिया, या कहीं उनको ऐसा लगा कि मेरे लिए कोई नई अपॉर्चुनिटीज है, नए ऑप्शंस है, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो लंबा साहब ना लीडर है और ना कोई पर्पस है, फिर समझ में आती है कि यार फिर ये क्यों है, फिर ये आंदोलन क्यों है। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा हिसार वाली बात में जी। लंबा साहब, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई मेरा जो कार्यक्रम है वो 2 बजे का रहेगा,
ठीक है, लोगों ने मन बना लिया हम विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया और उस कार्यक्रम को उन्होंने प्रीपोन कर दिया और 10 बजे का वो कार्यक्रम रखा ताकि कोई टकराव की स्थिति ना हो। और उसके बावजूद जब मुख्यमंत्री जो गए हैं वहां उद्घाटन करने के लिए गए हैं और ये खुद कहते हैं कि भाई हम तो मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं, हॉस्पिटल का विरोध नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग पहुंचते हैं वहां हॉस्पिटल का विरोध करने के लिए, बैरिकेड्स तोड़ी जाती हैं, पुलिस के साथ झगड़ा होता है, पुलिस के भी चोटें लगती हैं। मैं ये कहीं नहीं कह रहा लांबा साहब कि मेरी संवेदना है उन माता बहनों के साथ नहीं जिनको चोटें लगी, लेकिन उन बेचारी जिन महिलाओं को चोटें लगी, वो जो हमारी ताई निर्मला जिसको चोट लगी, उसको तो बेचारी को पता ही नहीं है कि तुझे चोट लगी किस पर्पस के लिए। असल में है क्या लांबा साहब, कुछ लेफ्टिस्ट ग्रुप, और ये लेफ्टिस्ट ग्रुप ये अपने हरियाणा का जो पंचायती सिस्टम है ना इसको भी पसंद नहीं करते। मैं आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जब इन लेफ्टिस्ट ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किए हमारे खाप सिस्टम के खिलाफ। आपका कहने का मतलब किसानों के अंदर भी ऐसे 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 लोगों को इंस्टिगेट करके रखा। कम हमारी तरफ से, मैं ये एक बात और ऐड भी करना चाहूंगा लांबा साहब, कमी मेरी बीजेपी की तरफ से भी रही, बीजेपी जो हमारा पंचायती कल्चर है उसको एड्रेस नहीं कर पाई, जो ये सीधा किसान है उसको एड्रेस नहीं कर पाई, और उस बात का फायदा ये किसान लीडर पूरा उठा रहे हैं। देखो लांबा साहब, इन्होंने एक नई स्थिति और पैदा करनी शुरू कर दी है, इन्होंने गांव गांव जाके इस पेंडेमिक के टाइम में, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये क्या चाहते हैं समझ में नहीं। इस पेंडेमिक के टाइम में जो कोविड सेंटर्स वहां बन रहे थे, जो हेल्थ फैसिलिटीज किसी बीमार को वहां मिल रही थी, उसको इन्होंने बंद कराना शुरू कर दिया। और हर आदमी जानता है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक से दूसरे को फैलता है, और उसकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि आइसोलेशन हो, लोग एक दूसरे से अलग रहें। लेकिन ये कुछ भी ये कुछ भी बोल रहे हैं आप, इनको ठीक करिए। ठीक है सुनील जी एक मिनट, लास्ट 2 मिनट जी आप जी लास्ट 20 सेकंड अनु जी का प्रश्न ले लेते हैं पहले। सुदेश जी आपके पास लौटते हैं, सुदेश जी एक मिनट, अनु जी सुनील जी अनु जी का प्रश्न ले लेते हैं पहले, एक मिनट अनु जी बताइए। प्रश्न मेरा ये, इन्होंने कहा कि इनका कोई नेता नहीं है, नेता नहीं है तो ये सरकार बात किससे कर रही थी इतने महीने, बात किससे कर रही थी अगर नेता नहीं है तो। इनको कुछ इनको होश में रहना चाहिए, ये बोल क्या रहे हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं, हमारे सारे चाचे ताऊ बुजुर्ग जो टोलों पे धरनों पे बैठे हैं बॉर्डरों पे, वो सारे हमारे नेता हैं। तो ये बात तुम्हारे नेता की तरह ठठेरे नहीं है, कभी को रूप बदल लिया कभी कुछ कर लिया, ये क्या बात हुई कि नेता नहीं है, किसने तो बात किससे कर रहे थे ये लोग, ये क्या कुछ भी उलझलुल बोलेंगे। इनको ये कहिए कि चीजों को बरगलाएं नहीं, एक बार में एक सवाल पूछें और एक सवाल का जवाब दें, कभी ये आंदोलन पे जाते कभी कोरोना पे जाते, ताकि ये खिचड़ी बनाने की कोशिश है। ये अभी अभी सुनील जी बोल रहे हैं कि कोरोना फैलता है एक दूसरे से, तो सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ, अगर वो बोल रहे हैं कि कोरोना ज्यादा एक साथ इकट्ठा होने से फैलता है, तो मुख्यमंत्री जी जब रिबन काटने आए थे अपने साथ 500 लोगों के लेके आए थे, क्या तब कोरोना नहीं फैल रहा था? अगर लॉकडाउन का उल्लंघन किया है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने किया है, अगर कोई केस बनता है तो मनोहर लाल खट्टर पे बनता है, सबसे पहले केस उन पे करे बाद में किसानों पे आए। और सुनील जी बोल रहे हैं कि काले कानून किसान बोल रहे हैं और किसानों की मांग थी, मैं पूछना चाहती हूँ जब ये काले कानून बन रहे थे मेरे किसान भाई कितने थे उस मीटिंग में, कितने मेरे किसान भाइयों की सलाह ली गई थी, एक नाम बता दीजिए कि बाहर देश से कोई एक किसान को आपने साथ में लिया हो। रातों रात जब लॉकडाउन था सारी दुकानें सब कुछ बंद था, किसान अकेला था जो खेतों से सब्जियां लेके गांव से अपना दूध लेके आटा लेके शहरों में बैठे लोगों को बचा रहा था, तब ये अंधाता नजर आ रहा था। और आपकी सरकार नीचे नीचे इन किसानों को बर्बाद करने की प्लान कर रही थी, क्यों चोर दरवाजे से एक काले कानून अध्यादेश क्यों लेके आई, क्या इमरजेंसी थी इसके लिए? और आप एक, मुझे नहीं लगता कि आपके फादर किसान हैं या नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगी जो रोटी खाता है उसको किसान के बारे में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देती। हम किसान की बेटी हैं और किसान के लिए आखिरी सांस तक आवाज उठाते रहेंगे। और जो ये आपकी सरकार है, इतनी घटिया सरकार है, इतनी गिरी हुई सरकार है, इतनी नीची सोच की सरकार है, माताएं बहनें आवाज उठाती हैं, हमें बलात्कार की धमकी दी गई है, मुझे भी जान से मारने की धमकी दी गई है, ना हम इनके धमकियों से डरने वाले हैं ना इनके सिर झुकेंगे और हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाते रहेंगे। 400 के करीब हमारे किसान भाइयों ने शहादत दी है, वो खुशी थी क्या उनको? किसान जो सड़कों पर बैठा 6 महीने से खुशी में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं आप
कि हम हॉस्पिटल तोड़ने गए थे टिकरी बॉर्डर पे, किसानों ने 25 किलोमीटर तक किसानों के टेंट लगे हुए हैं, पूरे रास्ते पे एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है और हमारे मंच तक एम्बुलेंस आती है और आगे पुलिस उनको एम्बुलेंस को निकलने नहीं देती। कितने वीडियो हमारे पास है, हम मंच से चिल्लाते हैं पुलिस को कि एम्बुलेंस को दिल्ली जाना है, जाने दीजिए। वहां दीवार बनाई चाइना वॉल की तरह, उससे भी मजबूत दीवार बना के बैठी हुई है। तो धिक्कार है ऐसी सरकार पे जो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देती। किसानों ने आज तक कोई रास्ता नहीं रोका है, किसान सीधे दिल्ली जाना चाहते थे, पंजाब के किसान दिल्ली जाना चाहते थे। खट्टर को क्या तकलीफ थी उनका रास्ता रोकने की, और जो रोड उखाड़े गए उसकी भरपाई खट्टर साहब अपनी जेब से करेंगे। रोड हमारी, हम जो टैक्स भरते हैं उससे बनते हैं, रोड किसानों ने नहीं उखाड़े, रोडों को उखाड़ा खट्टर सरकार ने, तो उसकी भरपाई पहले खट्टर सरकार करे। जी मैं ये कहना चाहूंगी, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि इन्होंने जो अभी ये कहा कि किसान हिसार के अंदर खट्टर के जाने के बाद पहुंचे, वो अस्पताल को डैमेज करना चाहते थे। आप मुझे बताइए, आप खुद ये कह रहे हैं कि खट्टर ने टाइम बदला, किसान क्या खट्टर को मैसेज करके पूछेंगे कि आप किस टाइम आओगे? सर जो टाइम पब्लिक हुआ था वही उसी टाइम पे पहुंचेंगे ना किसान। 7 जगह 8 जगह ये कह रहे हैं कि बैरिकेड लगे हुए थे, एक भी बैरिकेड पे ये पुलिस ने अनाउंसमेंट नहीं करी कि खट्टर जा चुका है, प्रोग्राम हो चुका है। जब हम उस पतली गली में पहुंच गए, वहां की जो आम पब्लिक है, जो वहां पे लेबर क्लास एरिया है, वो नारे लगा रहे थे जय जवान जय किसान, और उन्होंने ये बताया कि खट्टर जा चुका है। तो हम जिस लास्ट गली में थे, उस गली से निकलने के लिए कोई रूट तो बनाना पड़ेगा ना वहां पहुंचने के बाद। कोई हवाई जहाज तो हमारे पास खट्टर की तरह थे नहीं कि वहीं की वहीं हवा में कर लेते। वो गाड़ियां जो इतना लंबा काफिला चल रहा है उसे कोई ना कोई टर्न तो लेना पड़ेगा ये कंफर्मेशन के बाद कि खट्टर यहाँ पे नहीं है। लेकिन प्लान ही नहीं, कुछ और था ना, प्लान ही कुछ और था। तंग गली के अंदर किसानों को इकट्ठे करके 3.5 किलोमीटर के लगभग व्हीकल्स की लाइन थी, हमारे गाड़ियों के अंदर बुजुर्ग बैठे थे। मैं तो उस दिन, आपने जैसे इंट्रोडक्शन करवाया कि अनु हमेशा के रहती है, बिल्कुल रहती हूँ, लेकिन उस दिन मैं, जो मेरे साथ वाकया हुआ, गाड़ी बीच में फंसी हुई थी जिस गाड़ी में मैं थी, और मेरे साथ सारे बुजुर्ग थे। बुजुर्गों को मैं ढूंढ रही थी, सड़कों से उठा रही थी, उस दिन मैं ये काम कर रही थी। ये सच्चाई है। बुजुर्ग आदमी, उन्होंने कहां गोले देखे हुए खेत में काम करने वाले। और ये जो बीजेपी वाले हैं, इनको, इनका टारगेट देखो, जो पढ़ी लिखी किसानों की बेटियां हैं उन्हें टारगेट करो, उन्हें इतना टारगेट करो कि वो लीड ना कर पाए। इनसे बर्दाश्त नहीं होता, किसान कौम की तरक्की इनसे बर्दाश्त नहीं होती। इनको चुभते हैं हम, पढ़े लिखे जो किसानों के बच्चे हैं ना, तीर की तरह लगते हैं हम इनको, हरियाणा सरकार को। मैं तो आह्वान करूंगी जो बीजेपी के लोग हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं चाहे वो पूरे देश के हैं, अरे भैया बीजेपी से जो मिल रहा है तुमको, अगर कुछ मिल रहा है, क्योंकि विचारधारा तो आप लोगों ने देख लिया, सुनो पूरी सुन लीजिए एक बार बात, विचारधारा तो आपने देख ली, अगर अभी भी आपको विचारधारा समझ में आ रही है तो हैरानी की बात है। अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहे हैं तो वो हम किसान चंदा इकट्ठा करके दे देंगे। अपना जमीर जिंदा रखो, अरे ये अपने दादे चाचे हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, वरना हम भी अपने करियर बर्बाद करके, या मैं भी पढ़ी लिखी हूँ टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, तो ये नहीं करियर बनाने हमें भी आते हैं, लेकिन एक एक जमीर होता है उसके लिए ये लड़ाई है। तो इनका टारगेट हम है, हम जानते हैं ये बात। उन बुजुर्गों को जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले पड़ रहे थे, उनको सड़कों से उठा उठा के गम्फी भर भर के गाड़ियों में डाल रही थी मैं उस दिन। ये हाल था, मतलब ऐसा लगता है एलिगेशंस बहुत हो गई हैं, शायद जवाब देना चाहिए मुझे मौका मिलना चाहिए जवाब देने। आपके पास लौटते हैं सुदेश जी, आपने एक सवाल पूछा था, मैं उस पर जवाब पूछना चाहती हूँ। आप बोल रहे थे कानून में काला क्या है, आपसे पूछना चाहती हूँ कि उसमें साफ साफ लिखा है अगर कंपनी कुछ धोखा करती है या कुछ भी करती है तो किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। ये अधिकार किसानों से क्यों छीना गया, क्यों इस लाइन को ऐड किया गया कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता, पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। ठीक है, मैं मेरे पहले शुरुआत करता हूँ सुदेश जी के सवाल से, क्योंकि लास्ट में सवाल आया है सुदेश जी। इस देश के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, अब 4 करोड़ हो गए हैं, और जो बेस्ट रेमेडी है वो यही देने का प्रयास किया गया कि आप एसडीएम से 1 महीने के अंदर अगर कोई इशू हो जाता है तो उसको ठीक करा लें। इसके साथ साथ मैं लॉयर हूं, मैं आपको एक और बात बता दूं, ऐसा लिखने से कि भी कोई भी चीज का डिस्पोजल एसडीएम करेगा अगर कोई इशू डेवलप हो जाता है तो उससे ये नहीं होता कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। सिविल कोर्ट को कोई भी लॉ बार नहीं कर सकता,
एक सीपीसी की धारा है 151 सीपीसी, वो सबसे ऊपर है। ये एक ऐसा, प्लीज आप मेरी सुन लीजिए, ये एक ऐसा क्लोज है मैडम जिसको कोई ओवरराइड नहीं कर सकता, एक बात। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है सुदेश जी, आप इस बात को समझिए कि ये ऑप्शनल है, दीज लॉज आर वेरी मच ऑप्शनल, ये कोई दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन एनी पीजेंट और फार्मर, ये ऑप्शनल है मैडम, अगर आप नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। और तीसरी बात मैं आपको और इंपोर्टेंट बताऊं, आज भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आज भी कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है, और अब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस हिसाब से जैसे कोई भी बिजनेसमैन चाहता है। लेकिन जब ये आया था ना, ये जो नया स्पेशल आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिया गया था, इसके अंदर बहुत से आपको प्रिविलेजेस दिए गए थे कि लैंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपकी जमीन कहीं भी गिरवी नहीं होगी, जमीन से कोई रिकवरी नहीं होगी। और अब जो वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट है मैडम, उसमें ये सारी चीजें हैं। एक तो ये ऑप्शनल है, ये मैडम प्लीज आप अपनी बारी में कहना, ये ऑप्शनल है ताकि सबको समझ में आए, लांबा साहब ये किसी पर बाइंडिंग नहीं है, नहीं चाहे तो मत करें, ये उन लोगों के लिए है जो नई चीजें करना चाहते हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, एक बात। दूसरा, इसके ऊपर स्टे है, आज कानून ही नहीं है। तीसरा, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आप चाहेंगे तो उसमें जो जिसको जाना है वो उसमें चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो। और फाइनली मैडम, ये आपके बेनिफिट के लिए था, और ये भ्रम की स्थिति है कि अगर कोई लॉ बन गया और ये कहा कि भाई आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते तो रुक जाएगा, सिविल कोर्ट को कोई नहीं रोक सकता किसी भी केस को एंटरटेन करने के लिए। मैडम उसमें लिखा हुआ है कि किसान को नहीं पड़ता मैडम, प्लीज प्लीज मैडम किसी एडवोकेट से, अरे मैडम प्लीज, ये एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। एंड मैडम मैं एक एडवोकेट हूं, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करूंगा तो मैडम मैं सर्टनली मैं एक्सरसाइज करना चाहूंगा, प्लीज मैडम मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी सरकार किसान की होती मैडम, आप मैडम किसान मांग रहा हूं वोट नहीं दे रही मैडम, आप ये कहना चाहते हैं कि मैडम ये चैप्टर है किसान मांग रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या वादा किया था 2014 में, मैडम जी बारी बारी से वादा किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है, किसान बैठे हुए हैं कानून, किसानों को शौक सड़कों पे बैठने का, अपनी नस्ल और फसल बचाने के लिए 6 महीने से अपना घर बार छोड़ के, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, सर्दी आए, सब में वहाँ डटा हुआ है किसान। ऊपर से सोचो, सुनो आप, आपकी सरकार ने क्या किया किसानों के साथ, किसानों की वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं बंद करी, प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं, एक दिन भाषण बोलते हैं, एक पोल की दूरी, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, पीने का पानी बंद कर दिया, माताओं बहनों के लिए जो टॉयलेट बनी हुई थी ट्रोलियां वो वहां से लेके चले गए, बिजली हमारी काट दी। मैं ये कहती हूँ कि मोदी जी और खट्टर के हाथ में हो ना, जो हवा आ रही है ना किसानों की तरफ, उस हवा को भी किसानों को ना आने दें। सुनिए मैडम, अब आप जवाब सुन ले, लंबा साहब मैं फर्स्ट टाइम से कह रहा हूँ, जब कानून ही नहीं है तो आप क्यों बैठे हैं, ये समझ से परे है। दूसरा, यही डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अब अनु जी ने कहा कि उन किसानों को वहां बुलाया, पतली गली में फंसाया, उसके बाद अटैक हुआ। लांबा साहब मुझे बताओ, अगर पुलिस फोर्स अगर कहीं अप्लाई करनी है तो वो टोल टैक्सेस पर अप्लाई करने से कौन मना करता है स्टेट को, कोई नहीं मना करता। अगर फोर्स ही अप्लाई करनी है तो वहां भी अप्लाई की जा सकती है। लेकिन जैसे सुदेश जी ने इतनी देर तक कही और अनु जी ने भी इतना भाषण झाड़ा इन कानूनों के ऊपर लेके, एक्चुअल में तो कानून है, इनमें से कोई भी बता दे मुझे, मैडम आप दोनों बैठी हैं, आप टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, क्या कानून है इस देश के अंदर, ये तीनों दिन तीन लड़ाई जिनकी लड़ रहे हैं, ये कानून है। एक्चुअल में आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी क्यों मिली लांबा साहब, हरियाणा के अंदर 2016 और मैं जैसे पहले मैंने कहा कि सरकार अच्छे से अपनी चीज को कम्युनिकेट नहीं कर पाई, और 2016 के बाद बहुत से लोग या मैं कहूं 2014 के बाद बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, उसके बाद 2016 का एक जो बुरा समय हरियाणा ने देखा, उससे एक तबका और मैं कहूंगा जाट समाज नाराज था बीजेपी से, जिसको बीजेपी अच्छे से एड्रेस नहीं कर पा रही, अभी भी एड्रेस नहीं कर पा रही। ये कहते हैं बंगाल का, जिस दिन बंगाल का चुनाव था लांबा साहब, उस दिन स्थिति इन हैंड थी, कंट्रोल थी, और इस देश के अंदर इलेक्शन कमीशन है जो डिसाइड करता, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि कहां चुनाव होगा, कब चुनाव होगा, कैसे चुनाव होगा, सरकार नहीं डिसाइड करती, ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता, उस इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया और उस हिसाब से चुनाव हुआ। जब मनोहरलाल जी उस हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आए तो अपना एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फिर फॉलो अप करके आए, उसके बाद ये कहते हैं कि क्यों जब पंजाब का किसान
दिल्ली आ रहा था तो उसके लिए क्यों सड़कें खोदी गई, उसे आने से क्यों रोका गया। मैडम ये रोका जाना बड़ा जरूरी है और ये 26 जनवरी को साबित होकर दिखा दिया। जैसे उनको छूट मिली, मैं नहीं कहता सभी किसान उपद्रवी है, मैं ये नहीं कहता कि सभी वायलेंस करना चाहते हैं, लेकिन भीड़ का मोब का कोई कैरेक्टर नहीं होता, उसको आप नहीं रोक सकते। आप क्या रोक पाए उसको? नहीं रोक पाए। आप सिर्फ भाषण दे सकते हैं, वो जो 26 जनवरी का देखा पूरी दुनिया का, वहां लाल किले पर अटैक हुआ। और अगर वहाँ पे 300 किसान पहुँच गए तो सरकार की मिली भगत थी, और अगर सरकार की मिली भगत नहीं थी तो ये सरकार की नाकामी है कि वहाँ किसान कैसे पहुँच गए। क्या सिक्योरिटी है फिर सरकार की? बस क्या है, आप वहाँ क्यों बैठे हैं और क्यों लोग जो पर्पसेज उनको सॉर्ट आउट करने के लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल करते हैं? तो लांबा साहब ये इम्पोर्टेंट चीजें। हाँ लांबा साहब, एक चीज मैं बोलूंगी, इनको अगर पर्पज नहीं पता ना तो ये अपने मुख्य प्रधानमंत्री जी से ये कहें कि वहां जाएं टिक रिपोर्टर पे या अपने नुमाइंदे भेजें और पर्पज पता कर लें। ये क्या बचकाना बातें कर रहे हैं, ये क्या बातों में? सुनिए, अनु जी का इन्होंने कहा था फिर बात किससे हो रही है, जब लीडर्स नहीं है तो बात किससे हो रही है? अनु जी ये जूरिस्प्रूडेंस में कानून में भी है कि कोई भी एक निर्दोष आदमी को सजा नहीं होना चाहिए, चाहे दोषी कितने भी बरी हो जाएं। इसी को फॉलो अप करते हैं सरकारें भी। सरकार ये जानती है कि बहुत लोग हैं, बहुत सारे इनके पर्पसेस हैं, बहुत सारे इनके रीजंस हैं अपनी चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए लोग यहां आए हैं, लेकिन इनकी वजह से किसी बेचारा इनोसेंट आदमी नहीं कहीं कोई किसी वायलेंस का शिकार हो जाए, उसका कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए सारी चीजें की जाती हैं। और इसीलिए इन ये जो धरना प्रदर्शन और ये सब चीजें हो रही हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरा रिस्ट्रेन बरतती है। ऐसा नहीं कि हटाया नहीं जा सकता, हटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनके अपने पॉलिटिकल पर्पसेस हैं, जो इस प्रदेश के अंदर उपद्रव करना चाहते हैं, और दूसरे हैं वो सीधे साधे भोले भाले किसान जिनको नहीं पता है, जो बेचारे पूरे व्यवस्था से परेशान थे। जैसे सुदेश मैडम ने कह दिया कि ऐसा कानून क्यों लेके आया जिसमें सिविल कोर्ट जाने का अधिकार ही ना हो, और जब मैं इनको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस कानून इस बात की कोई वैल्यू नहीं। दूसरी, इस देश के अंदर 3 करोड़ थे लॉकडाउन से पहले, आज 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है, और एसडीएम सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपनी रेमेडी के लिए, और मैडम जब आप मुख्यमंत्री तक को नहीं घुसने देते, आपके सामने एसडीएम की क्या औकात है? आप एक्चुअल में किसी किसान का भला करना चाहते हो तो उस दिन एसडीएम के सामने खड़े हो जाओ, वो तो बेचारा भाग जाएगा वहां से, आपके सामने थोड़ी खड़ा हो सकता है। मुख्यमंत्री किसने बनाया? किसानों ने दिए। मैं इस बात का सटीक जवाब देती हूँ इनको, एक मिनट। अभी अभी इन्होंने कहा है, वकील साहब हैं, हालांकि इतनी जिरह मैं नहीं कर सकती क्योंकि इन्होंने तो लॉ पढ़ा है, लेकिन फिर भी अभी अभी इन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री को नहीं घुसने देते, एसडीएम आपके आगे क्या चीज है। लेकिन वही हजारों किसान आईजी ऑफिस के आगे बैठे थे सिर फुड़वा के, जिसमें से 500 के सिर फुटे हुए थे। आईजी ने हमारे साथ जो नेगोशिएशन की उससे पलट गए। कल को एसडीएम पे किसान जिसको पेंशन बनवानी नहीं आती, किसान जिसको बीमे का क्लेम करना नहीं आता, वो ये चीजें कर लेगा? कहाँ बरगला रहे हैं? ठीक है आप ये टेढ़ी मेढ़ी बातें करके जो सरकारी भाषा होती है वो बोल के बातों को दबा नहीं सकते जी, आपको पता है व्यवस्थाओं का। सुनील जी, भ्रष्टाचार चरम पे, आपको पता है भ्रष्टाचार आपकी पार्टी आपकी सरकार नहीं खत्म कर पाई, और एसडीएम लेवल पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है, किसानों की कौन सुनेगा, एसडीएम किस तरीके से निवारण कर पाएंगे? अरे ऑप्शन था वो भी आपने ले लिया, अभी आप कोर्ट में नहीं जा सकते, एसडीएम के पास जाइए। एसडीएम आपको पता है भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, नीचे के जो अधिकारी हैं सारे। अरे आरटीआई का जवाब तक नहीं आता लोगों के पास, खुर्द मुर्द कर दिया जाता है। आपके सरकार ने आरटीआई चला रखी है, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था आपने, अब तक वो भी पूरा नहीं कर पाए आप, और 400 किसान ने साधे दे दिए, एक शब्द आज तक उनके लिए बोल नहीं पाए। चलो किसान सही बैठे अच्छे बैठे, कम से कम आपके प्रधानमंत्री कहा कि 2 करोड़ एक फोन की दूरी पे, वो फोन कब आएगा? आप एक फोन भी कर सकते हैं वहां पे जाके, आपके नेता वहां जा सकते हैं, डर किस चीज का लग रहा है बताओ आपको जी। सुदेश जी क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये हमें हमारे 400 के करीब शहीद हो गए, एक शब्द प्रधानमंत्री ने कहा, खट्टर साहब ने एक शब्द नहीं बोला। क्रिकेटर के हाथ में अंगूठे में चोट लग जाती है, ट्विटर पे लिखते हैं प्रधानमंत्री जी, तो किसानों के क्या किसान इस देश के नहीं है क्या?
हम इतने बड़े, कभी हमें आतंकवादी बुलाया गया, कभी खालिस्तानी बुलाया गया, आंदोलन जीवी बताया गया। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना आंदोलन जीवी है तो हम सब गर्व से कहते कि हम आंदोलन जीवी हैं, क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और सुनील जी बोल रहे थे ना कि कानून किसान हितैषी हैं, अगर सरकार ने किसान हितैषी कानून बनाए तो सरकार अब क्यों राजी हो रही है कि उसमें हम संशोधन कर देंगे, अगर किसान उसमें गलतियां है ही नहीं, सारे किसान हितैषी हैं, तो संशोधन किस बात का करना चाह रहे थे ये। और पहली बार जब हमारे किसान नेता मिलने गए थे, दिल्ली में आए थे, इनके नेताओं ने हमें मिलने का भी टाइम नहीं दिया था। जब हमारी एकता दिखी, हम शांति और एकता और अनुशासन के साथ 6 महीने से डटे हुए हैं, और इसी वजह से हमारी एकता और अनुशासन से मोदी सरकार हिली हुई है, तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, बीच में SYL का मुद्दा उठा के लाई। आप तो कानून जानते हैं वकील साहब, आप बताइए कि 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि हरियाणा सरकार को बुलाए, पंजाब सरकार को, और केंद्र सरकार फैसला कराए, तब आपके CM साहब कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे। जब हमारी जमीन बिकने की नौबत आ गई तब उनको पानी की याद आई, पानी में डूब के मरना है हमें जब खेत ही नहीं बचेंगे हमारे। धीरे धीरे ये मंडी सिस्टम को खत्म कर देंगे, बाहर में 4 पैसा ज्यादा मिलेगा मंडी से, तो मेरा किसान भाई तो वही जाएगा, फिर कहेंगे भाई मंडियां तो खत्म हो गई, और पीछे मुड़ के देखेंगे मनचाहे रेट लगाएंगे जैसे बिहार में हो रहा है। सरकारी स्कूल क्यों बंद किए हरियाणा के, 1053 सरकारी स्कूल बंद किए, उसका जवाब है आपके पास, गरीब आदमी मजदूर का बच्चा सरकारी स्कूल में भी जाता है, अगर उसके पास प्राइवेट स्कूल के पैसे नहीं होंगे, सरकारी स्कूल आप सारे खत्म कर देंगे तो गरीब का बच्चा अनपढ़ रहेगा, या तो वो भीख मांगेगा, मजदूरी करेगा, या गुंडागर्दी करेगा, उससे हरियाणा का विकास हो रहा है, देश का विकास होगा उससे, हर चीज को आप प्राइवेट करते जा रहे हैं। जनता जाग चुकी है, जनता ने आपका चेहरा पहचान लिया, बीजेपी 2 चेहरे लेके घूमती है, एक तो खरीदी हुई बिकी हुई नेशनल मीडिया पूरे का पूरा बिका हुआ है, नेशनल मीडिया का जो आज हमारे देश का हाल है ना, सबसे ज्यादा बड़ा रोल मीडिया का है, मीडिया चंद पैसों के लिए देश को बर्बाद कर दिया, देश की सच्चाई नहीं दिखाई, देश में कितनी भूखमरी है, कितनी बेरोजगारी है, आज तक मीडिया ने नहीं दिखाया, वाई वाई मोदी जी की झूठी वाई वाई, लेकिन पढ़े लिखे लोग और जो सड़कों पर निकले हुए लोग हकीकत जानते हैं। और अब भी किसानों पर कितना भी अत्याचार करे आपकी सरकार, किसान पीछे हटने वाला नहीं है, हमारे 400 भाइयों ने शहादत दी है, जितनी कुर्बानियां देनी पड़े हम देने को तैयार हैं, सिर्फ उड़वाया मेरी माताओं बहनों ने, अगर आपकी सरकार गोली चलाएगी तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे, जेल में भरोगे तुम्हारी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, गोलियां चलाओगे तुम्हारा गोलीबार छोटा पड़ कम पड़ जाएगा, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा। और किसान बरगलाया नहीं है, आपकी सरकार को बहकाया हुआ पूंजीपतियों ने, पूंजीपतियों के इशारे की कठपुतली बने हुए हैं प्रधानमंत्री जी, चाहते कि 4-5 लोगों के हाथों में देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं, ये हम होने नहीं देंगे। जो पहले होता था ना कि एक राजा हो सारी प्रजा, हम जनता नहीं है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है, सरकार की ड्यूटी बनती है, अगर हम आंदोलन कर रहे हैं पीने के पानी की सुविधा करे, टॉयलेट बाथरूम की सुविधा करे, मेडिकल सुविधा दे। आपसे पूछना चाहती हूँ कि खट्टर सरकार ने टिकरी बॉर्डर पे क्या सुविधा दी आज तक बताइए, उल्टा हमारे वहां से बिजली काट रहे हैं, पानी काट रहे हैं, तकलीफें दे रहे हैं हमें, किले गाड़ रहे हैं वहां पे हमारे बॉर्डर के बाहर, क्यों नहीं एम्बुलेंस को जाने दिया, मुझे आपके पास इसका जवाब है। मैं वहां मन से चिल्ला रही थी पुलिस वालों को कि एम्बुलेंस में पेशेंट है, उसको दिल्ली जाना है, जाने दीजिए। हमने 25 किलोमीटर हमारे टेंटों के बीच से एम्बुलेंस को निकाला और आपकी पुलिस ने एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया। अगर वो पेशेंट मर जाता तो उसके जिम्मेवार खट्टर साहब होते या मोदी जी होते या पुलिस ऑफिसर होते, आप बताइए कहां लिखा है इसको रास्ता ना दें। हम जब भी काफी बातें कही, मुझे लगता है कि जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए मुझे। जब जी बताइए लांबा साहब, सबसे पहली बात तो जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ प्रधानमंत्री ने खुद वाराणसी में भी कहा, पार्लियामेंट में भी कहा, और हर जगह जहां मौका मिला वहां कहा कि आंदोलन की पवित्रता है, ये आपके लिए है, हाथ भी जोड़ते हैं आपके सामने, नतमस्तक भी होते हैं और आपकी हर बात सुनने को स्वीकार भी। लंबा साहब दिक्कत क्या है, ठीक है आपका विरोध बन, आप कहते हो आप विरोध कर रहे हैं, आपका विरोध बनता है, आप आंदोलन कर रहे हैं आपका आंदोलन बनता है, सरकार ने आपको ये भी कहा कि आपको एक स्टेडियम में जगह दे दी जाए, देने को सरकार तैयार थी लेकिन आप स्टेडियम लेने से मना किया, जेल बना रहे थे स्टेडियम, हाँ। दिल्ली में स्टेडियम मांग रहे थे कि उनको जेल बनाना है, ग्राउंड मांग रहे थे, ये पहाड़ी ग्राउंड किस लिए मांग रहे थे कि वहां हमें कैद करें, मीडिया को कंट्रोल किए, हमारा राशन पानी बंद कर दें, मौका दे कहने का, सरकार स्टेडियम देने को तैयार थी, उसके बावजूद ठीक है आप शांतिपूर्वक ढंग से जहां कहीं बैठे आपका बनता है आप करते हैं करें
आंदोलन आप शांतिपूर्वक ढंग से बैठे, उसके साथ साथ आप ये कहते हैं कि जनता आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं, तो लोकतंत्र में लंबा साहब तरीका क्या है? वायलेंस तो कहीं तरीका नहीं है, बैरिकेड्स तोड़ना तो कहीं तरीका नहीं है, किसी का रास्ता रोकना तो कोई तरीका नहीं है। तरीका है हर 5 साल में चुनाव होता है, आपका चुनाव होगा, आप अपना लीडर सिलेक्ट करें, इलेक्शन में जाएं, अपनी सरकार बनाएं, अपने तरह के कानून बनाएं। आज हालात ये हो गई है कि आपने प्रेशर बना के आम आदमी को भयभीत कर दिया है। आम आदमी की तो हिम्मत नहीं हो रही बेचारे की बोलने की, लेकिन जिस दिन आप चुनाव में जाएंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा कि जो आप लोगों ने एक हवा क्रिएट कर रखा था उसकी तो हवा निकल गई, उसके अंदर कुछ है नहीं। और इसी बात का भय है, इसी बात का डर है। आप किस बात से भयभीत हैं? क्यों नहीं लोगों को आने जाने देते? क्यों नहीं लीडर्स को अपनी सभाएं करने देते? क्योंकि लीडर जाएगा, लोगों के बीच जाएगा, तो वो अपनी बात भी रखेगा। जब अपनी बात रखेगा तो लोगों को समझ आएगी। इस बात का भय इन आंदोलनकारियों को है। आप अपने सुदेश जी, आप अपने पर्सनल गोल सेटल करने के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत है। कौन सा पर्सनल? सबके पॉलिटिकल गोल होते हैं मैडम, आपका क्या है वो तो आप जानते हैं, लेकिन ये मैं तो नहीं जानती, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। आप दोनों से, दोनों माता शक्ति से मैडम, मेरा सवाल है क्या सैनिकों के लिए जंतर मंतर की लड़ाई लड़ रही हूँ, विधवाओं के लिए, सैनिकों की विधवाओं के लिए, और किसान की बेटी हूँ और मैं खुद भी किसान हूँ। ओके, आप एक बात बता दीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट की स्टे है मैडम, जब सुप्रीम कोर्ट की स्टे है, क्या आप कानून को कोर्ट को मानते कि नहीं मानते? जब सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, आपकी सरकार ना कोर्ट को मानती है ना संविधान को मानती है, आपकी सरकार एम्बुलेंस का रास्ता क्यों रोका बताइए? एम्बुलेंस का रास्ता किसने रोका? क्या डबल स्टैंडर्ड? सुदेश जी बैठी हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये मानते नहीं है, और सरकार का विरोध इसलिए करते हैं कि निचली अदालत में इनको सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं दिया। अब मुझे बताएं आप कौन सी कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसान अगर शांतिपूर्ण ढंग से बैठे तो किसानों को कोई नहीं हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट के कारण ही हम डटे हुए, नहीं तो आपकी सरकार ने पूरी कोशिश कर ली थी हमें वहां से खदेड़ने की, और हम लोग अनुशासन में बैठे हुए हैं। आज तक एक भी बता दीजिए कि हमने क्या कौन सा कानून तोड़ा, बता दीजिए आप। सुदेश जी मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कौन सी कोर्ट को मानते हैं, निचली कोर्ट को मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया तब आपका आंदोलन क्यों है? हम सभी न्यायालय को मानते हैं और उनका पालन भी करते हैं, लेकिन आपकी सरकार ने न्यायालय की बात सुनती है, आपकी सरकार ने संविधान को मानती है। अगर संविधान को मानती आपकी सरकार तो पार्लियामेंट में बिना वोटिंग के कैसे एक कानून पास किया गया, किस लिए बिठा रखा उन्होंने? जनता भेजती है आपे लोकसभा में, राज्यसभा में लोगों के जिता के वोट दे के भेजती है, उन लोगों की वोट क्यों नहीं सुने प्रधानमंत्री? आपकी सरकार इतनी, मैं कहूंगी कि तानाशाही बन चुकी है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, और आप जितने इल्जाम लगाने हैं लगा लें, हम अपने नस्ल और फसल के लिए वहां बैठे हुए हैं, और आपने कहा ना कि आम इंसान जो सड़कों पे बैठा वो आम इंसान है, आप जैसे एसी में रहने वाले वहां एक दिन भी नहीं बैठ सकते। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, 24 घंटे मेरे किसान की जिंदगी जी के दिखाएं, जो बॉर्डर पे बैठे हैं, जहाँ वो खाना खाते हैं वो खाना खा के दिखाएं, जहाँ मेरे भाई बाथरूम नहाते धोते हैं वहां करके आप एक दिन की जिंदगी जी के दिखाएं। भाषण देना बड़ी बात है, एसी में बैठ के बात कर सकते हो, कितनी तकलीफ में मेरे किसान भाई आज रात तंबू खड़ गए, इतने गोडे गोडे पानी में मेरे भाई खड़े हैं, वहां पे जाके देखिए तो पता चले। कि भाई जब कानून पर स्टे है, जब कानून एक्सिस्टेंस में ही नहीं है तो आंदोलन क्यों है? जब कानून ही नहीं है तो आंदोलन क्यों है? कानून ही नहीं तो प्रधानमंत्री जी इसको वापस क्यों नहीं ले लेते? प्रजातंत्र में हमारे हकों की आवाज उठाना हमारा अधिकार है और उसको कोई छीन नहीं सकता, और प्रधानमंत्री जी अगर उसको देश का सच में भला चाहते हैं, सैनिक किसान के साथ है, तो कानून वापस क्यों नहीं लेते? सुदेश जी मेरी आवाज अच्छे है, क्या मांग रहे हैं? किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात कर रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ करने की मोदी जी ने वादा किया था, वो क्यों नहीं पूरा करते? किसान जो मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं आप लोग। ये इनकी नहीं, हर किसान लीडर की समस्या है, ये बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं, ये अपनी बात अपने जो मुद्दे शुरू कर देते हैं। आप जब बात सिंपल साधारण की थी, मेरा भी तो एक अधिकार है, मैं कहता हूँ कानून अच्छे हैं, मैडम कहती है कानून खराब है, तो ये लेट इट बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर स्टे कर दी, ठीक है, कोर्ट को डिसाइड करने दे, अब आंदोलन क्यों? जी
देखिए हम किसान है, किसान से बेहतर एसी में बैठने वाला नहीं बता सकता। किसान खड़ी फसल को देख के बता सकता कि इसमें 40 मण होगा कि 50 मण होगा, लेकिन जो नेता बैठे हैं ना वो अपने एसी बंगलों में, वो किसान का फैसला करेंगे। क्यों नहीं मेरे किसान भाइयों को बीच में लिया? जब ये कानून बना रहे थे तो किसानों को क्यों बीच में नहीं लिया? किसान बैठे हैं, एसी तो आप बता रहे हैं, किसान के लिए बना रहे हो और किसान की आप बात नहीं सुन रहे, किसान को उस मीटिंग में बीच में नहीं ले रहे। बॉर्डर पे बैठे किसान है, उन्होंने भी तो एयर कंडीशन लगा रखे हैं। वो हमारे जो हमारे बच्चे जो दूसरे देशों में जाके पढ़ लिख के दूसरे देशों में जाके नौकरियां कर रहे हैं, उन बच्चों ने पैसा भेजा, उन बच्चों ने बोला कि मेरे बाप दादा के लिए हम एसी लगाएं। अगर आप क्या चाहते हैं, किसान को हमेशा फटी धोती टायर की चप्पल में देखना चाहते हैं? क्यों नेताओं को यह क्या धोड़े कुर्ते पहनने का? दोबारा याद करेंगे, इसको दोबारा सुनेंगे। आपकी बात, दूध बेचता है, घी बेचता है, अच्छे पैसे कमा लेता है, किसान का बच्चा अगर आर्मी ऑफिसर बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गया, तो जलन हो रही है क्योंकि हम पढ़ लिख के अपनी आवाज उठाने लगे अपने हक की। बाप दादा हाथ जोड़ते थे, हाथ जोड़ के सिर झुकाते थे, पैरों में रहते थे, तो आपको वैसे ही किसान चाहिए। अभी किसान जाग चुका है, किसान जाग रहे, किसान का मेरे जाग के दिखा, अपने और पराये को पहचान के दिखा, अपने अधिकार तुझे खुद लेने हैं, मांगने से मिलने नहीं छीन लेने हैं। अभी वो आ गया, हम लोग जाग चुके हैं तो हम बकाई में नहीं आने। सुदेश जी, कुछ लोग इस कानून के फेवर में भी तो हैं, कुछ लोग इस कानून भी तो कर रहे हैं। एक किसान लीडर का नाम बता दीजिए कि इस किसान इसके फेवर में है, एक आदमी का नाम बता दीजिए आप। लाखों किसान बैठे हुए हैं, हक की आवाज उठा रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन फेवर में है इसमें? एक आदमी का नाम बता दीजिए। फेवर में नहीं है। अनु जी, अनु जी बताइए क्या कहेंगी। हम अपने एडवोकेट सुनील सोरेन जी हैं और बीजेपी का प्रवक्ता। सुनील जी, ये एक कॉल प्रधानमंत्री का, एक कॉल की दूरी पे है, तो एक कॉल की दूरी पे तो आओ, तो बीजेपी के नेता है, एक कॉल कब आएगा? किसानों को वहां से अपने घर चले जाए आराम से, अपने बीवी बच्चों के साथ रहे वो भी। अच्छा, कमाल है, आप बात बात उसी बात को दोबारा दोहरा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि ये सुदेश जी तो भाषण लंबा दे गई, मैं अनु जी से आप ये पूछिए, आप बता दीजिए, जब कानून एक्सिस्टेंस में है ही नहीं, और दूसरी बात, कुछ लोग इन कानूनों को पसंद भी करते होंगे, मैं कहता हूं मैं कानूनों को पसंद करता हूं, तो जितना मैडम आपका अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है, मुझे भी तो उतनी लिबर्टी दें। और जब आप कानून कोर्ट्स को मानते हैं, आपको नाराजगी इस बात से क्योंकि कोर्ट का राइट नहीं मिला, इसका मतलब आप कोर्ट्स को मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो मैडम कानून बनाने से पहले किसानों से पूछना तो पड़ता है, पूछा किससे था आपने? आपको लांबा साहब खारिज नहीं किया है कानून को? हाँ जी अनु जी बोलू मैं। हाँ जी, पहली बात तो ये कि जब ये कानून बने थे, ये कानून आए थे, तो खुद बीजेपी की जो किसान सेल है वो इसके विरोध में थी, वो सहमत नहीं थी इन कानूनों से, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब कानून बनाए गए तो किसानों को या किसान यूनियन को शामिल नहीं किया गया। तीसरी बात ये कि बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से ये राज्यसभा में पास किए गए, ध्वनि मत से हो हल्ला मचा के, बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से, जबकि लोग धरने पर बैठे थे इनके खिलाफ कि किस तरह से पास कर दिए। ठीक है, मिली भगत थी क्या थी वो इनका मामला है, लेकिन लोकतांत्रिक सिस्टम हमने टीवी में देखा था। ठीक है, और वो सब चला भी था कई दिन, लेकिन वही बात, तानाशाह के आगे बोले कौन। उसके बाद ये कह रहे हैं कि कुछ लोग समर्थन में भी तो हो सकते हैं, उनके भी अधिकार हैं, उनके अधिकार हैं तो वो करें धरने प्रदर्शन, हम रोक नहीं रहे उनको, वो करें धरने प्रदर्शन, हम भी देखें कितने लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये बरगलाने वाली बातें छोड़िए, आप जो कह रहे हो ना कि लोग समर्थन में भी हैं, उन समर्थकों की रैली करवा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, करते रहे रैली अपना, लेकिन हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे क्योंकि हम इनके विरोध में हैं। सीधी सी बात है। सिंपल सवाल लंबा था, मेरा सवाल इन दोनों महिलाओं से है कि जब स्टे है, आप कोर्ट्स को मानती हैं, कोर्ट की स्टे है, सिंपल है, कोर्ट की स्टे, आप गोल पोस्ट क्यों चेंज कर रहे हैं? अब आंदोलन किस बात का, जब कोर्ट ने स्टे कर दिया तो आंदोलन क्यों? खारिज नहीं किया। मैं जवाब देती हूँ, इसलिए क्योंकि हमें प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है और वो भरोसा जगा नहीं पाए। कोर्ट का स्टे है, उससे क्या कानून रद्द हो जाते हैं? सुनिए बात, सुनिए बात, सुनिए, आप तो कोर्ट से भरोसा करते हैं, आपको तो नाराजगी इस बात से है क्योंकि आपको कोर्ट जाने का अधिकार नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला पेंडिंग है, आपके डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आपको निचली अदालत पसंद है, ऊपर की अदालत आपको पसंद नहीं है, ऐसा क्या?
बताती हूँ इसको आपको। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने बाहर निकल के क्या कहा था आपको याद होगा आपको, उन्होंने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार का तोता बना दिया गया, सीबीआई को, सुप्रीम कोर्ट को, कल को अनुजी आप एजुकेटेड महिला है, मैं आपको एक छोटी बात बताऊं, आप दोनों एजुकेटेड महिला है, पहले बात पूरी हो जाती, सुनील जी पहले पहले अनुजी के सुन लीजिए आप, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जज प्रेस कॉन्फ्रेंस देश में पहली बार हुआ बीजेपी सरकार आने के बाद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जजमेंट पे भी असर ये सरकार दबाव डालती है, सीबीआई को तोता बना लिया है, इन्होंने आरटीआई कानून को कमजोर कर दिया है, अभी तो स्टे है लेकिन स्टे होने में और कानून रद्द होने में फर्क होता है, बरगलाइए मत। अगर आप इतना ही लाइटली कह रहे हैं कि इन पे तो स्टे लग गया, ये तो अब इन मतलब ये लागू ही नहीं है, अगर आप इतना ही लाइटली कह रहे हैं एनडी बन के जैसे बीजेपी वाले बनते हैं, तो इतनों को नाराज क्यों कर रखा है किसानों को, इनको रद्द कर दीजिए, समस्या क्या है, कहां समस्या है, समस्या है नियत में, जैसे जियो वाली नियत है आपकी कि पहले फ्री दो उसके बाद सारी कंपनियों को खत्म करो, वो आप ये जियो की सरकार है, रिलायंस की सरकार बनाना चाहते हो, ये तो देखो किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे आम नागरिक जो जागरूक हैं वो देखो विरोध तो करेंगे और आपको विरोध झेलना पड़ेगा। लामा साहब छोटी बात, ये क्योंकि कानून की बात आ गई, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी ये कह दिया कि सरकार के हिसाब से चलती है, जैसे ही 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी सबसे पहले नेशनल, मेरी बात सुन लीजिए अनुजी, मेरी बात सुन लीजिए, आप एजुकेटेड महिला है प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, नेशनल जुडिशियल नेशनल अकाउंटेबल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक बिल लेके आई सरकार, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे हो उसके लिए एक प्रोसीजर बनाया, आज सुप्रीम कोर्ट में एक कॉलेजियम सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाते हैं, लेकिन सरकार ने नया सिस्टम लेके आई एनजेएसी ताकि उस सिस्टम को बदला जा सके और नए लोग अंदर एंट्री कर सके, आपको मैं बताऊं सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टक ऑफ कर दिया, सबसे बड़ा जो काम, जो सबसे बड़ा एक्ट या मैं कहूंगा जो बीजेपी सरकार जो सबसे बड़ा बदलाव लेके आ रही थी एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा दिया। मैडम सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट से दिस नथिंग बियॉन्ड सुप्रीम कोर्ट, अब आप सुप्रीम कोर्ट पे एलिगेशन लगाएं तो आपकी मर्जी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को स्टक ऑफ किया है, की बातों को वकील की तरह घुमाइए मत, सुप्रीम कोर्ट पे एलिगेशन कौन लगा रहा है, मैं सीधा सीधा ये कह रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सारी बातें शेयर की हैं पब्लिक से, ये सारा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, इससे इससे मैडम सुप्रीम कोर्ट की ताकत और भी दिखाई देती है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि उसके काम में इंटरफेरेंस हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाहर निकल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोल दिया, यानी कि तो फिर मैं और आप दोनों एक ही फुटिंग पर खड़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ठीक करेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं मैडम जब सुप्रीम कोर्ट की स्टे है तो हमें सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर भरोसा करना चाहिए, आपको अपने एंगेज करने चाहिए जो आपकी बात को आंचे से रखें और सरकार अपने एडवोकेट एंगेज करेगी, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। सुनील जी आप घुमा रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कानून नहीं लाया था, सरकार कानून लाई थी और सरकार पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी भरोसा खो चुके हैं क्योंकि आज तक जितने भी उन्होंने वादे किए एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, ठीक है। आप जितना भी अपनी सरकार का फेवर कर ले, सरकार आपकी सरकार ने कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिसके लिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, हजारों करोड़ों अपनी जहाज बनवाने में लगा दिए, प्रधान पीएम हाउस बनाने में लगा दिया, वो जरूरी थे या हॉस्पिटल जरूर थे, हरियाणा में मेडिकल की नींव रखी प्रेम नगर में, आज तक पूरा नहीं किया, और जो परसों उद्घाटन करने आए थे 30 करोड़ उसमें लगा दिए, अगर 30 करोड़ की ऑक्सीजन खरीदी होती तो शायद हमारे कई हजारों भाइयों की जान बच जाती, ऑक्सीजन की कमी में मेरे भाई बहन दम तोड़ रहे हैं और पर हमारे मुख्यमंत्री जी को रिबन काटने की लगी हुई है, क्यों नहीं हमारे किसी डॉक्टर से, जो डॉक्टर इलाज करे थे उन्हीं से रिबन ही कटाया जा सकता था, 2 दिन तक वो हॉस्पिटल खाली पड़ा रहा, हमारे पेशेंट की जिंदगी जरूरी है, मरीजों को वहां दाखिल करना जरूरी है या मुख्यमंत्री का उद्घाटन जरूरी है, इनको सिर्फ रिबन काटने की पड़ी है, फोटो खिंचाने की पड़ी है, जनता जाए भाड़ में
जनता उनसे कोई दुश्मन नहीं है खट्टर की, जनता ने वोट देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया था। चीजों को घुमाना इसको बोलते हैं। बात हुई कि जैसे सुदेश जी ने शुरुआत की कि हमें सरकार कानून लेके आई, बोले हमें सरकार पर भरोसा नहीं है। कानून का कानून बनाने का काम लेजिस्लेशन ही करता है सर, कानून लेजिस्लेशन ही बनाती है पार्टियां, पार्लियामेंट या असेंबली कानून बनाती है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन करती है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई कानून ऐसा है जो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जैसा कि ये क्लेम कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्टक ऑफ कर देती है। यानी सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, लेकिन मैडम ने जो बातें घुमाई वो ऐसे घुमाई कि जहां हम कानून की बात कर रहे थे, कानून की बात छोड़ के इन्होंने व्यवस्था के सैकड़ों बातें कर दी। क्या मैडम आपका आंदोलन उन व्यवस्थाओं के खिलाफ है? आप नाम लेके चलते हैं कानून, तीन कृषि कानूनों का, और उसके बाद उसके अंदर बहुत सी चीजें अपने दिल में आती होती चीजें घुसाते रहते हैं ताकि लोगों का दिमाग एक बात पर ना टिके, लोगों के बात आपकी समझ ना आ जाए, आप चीजों को घुमाना फिराना शुरू कर देते हैं। मैडम जहां तक की बात है, ये एक पैनिक की सिचुएशन थी, किसी को अंदाजा नहीं था, पूरी दुनिया इस पेंडेमिक से परेशान है, उसके बावजूद सरकार ने दिन रात मेहनत करके, मैं दादरी चरखी दादरी में रहता हूं, मैं आपको कह सकता हूं दादरी के अंदर ना ऑक्सीजन की कमी है, ना बेड्स की कमी है, ना वेंटिलेटर्स की कमी है। कोई भी मरीज इसलिए नहीं इस दुनिया को छोड़ के चला जाता कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली या बेड नहीं मिला या मेडिकल सुविधाएं नहीं मिली। सरकार ने एक्शन मोड में आके बहुत थोड़े समय में चीजों को कंट्रोल किया है, नए मेडिकल कॉलेज एक की संख्या में काफी संख्या में सरकार बना रही है। जी सरकार पहलू को देख रही है, लेकिन बात से चले छोड़ के पूरी सारी बातें काफी रही। सुधीर जी लास्ट में आपसे क्वेश्चन लेंगे चलते चलते आखिर में, अनुसूरा जी आखिरी आप बता दीजिए कि क्या पर्सनल है चलते चलते। मैं बहुत क्लियर कहूंगी कोविड के बारे में सरकार ने क्या किया वो पब्लिक टीवी पे देख रही है, लाशें नदियों में तैर रही हैं, अब ये कह देंगे विपक्षी लोग तैर रहे हैं मोदी को बदनाम करने के लिए, वो लाशें हैं और हजारों की संख्या में है। कांग्रेसी या किसी और पार्टी के जो विपक्षी लोग हैं वो नहीं तैर रहे नदियों में, लाशें हैं, वो चेक कर लो, कुत्ते खा रहे हैं लाशों को, चीले कुत्ते। चलो ये तो सारे देश को पता है, ये तो खुली कहानी है। इन्होंने ये कहा कि वहां जो धरने पे बैठे हैं उनको समझना चाहिए, ये दुनिया जहान की बार एसोसिएशन बैठी है, हिसार की बार एसोसिएशन बैठी है, आपके वकील भाई हैं, एक बार उनको समझा लो आके। हम आपका स्वागत करते हैं, मैं आपको इनवाइट करती हूँ हिसार बार एसोसिएशन में, जो वकील धरने पे बैठे हैं किसानों के समर्थन में, पहले आप उनको समझा लीजिए, क्योंकि हम तो वही बात, हमने ला की पढ़ाई नहीं कर रखी, वो या तो आप ज्यादा बड़े वकील हैं या उस बार एसोसिएशन को समझ नहीं है जो किसानों के समर्थन में धरने पे बैठे हैं। जी 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 भ्रष्टाचार जरूर पे है सुनील जी, अभी कोरोना महामारी कोविड महामारी उसमें आप देख रहे हैं सिलेंडर 50,000 रुपए का मिल रहा है, रेडमिशीवर इंजेक्शन 1,00,000 रुपए का मिल रहा है, मैंने आपको एक सबूत भी दिए थे भ्रष्टाचार से, छोटे छोटे गैजेट है कि वो टेम्परेचर नापने वाले में कितना भ्रष्टाचार है, किस तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है, अब तक किसी डॉक्टर पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, गुलमर भी अपना रही है सरकार, ना भ्रष्टाचार रोक पाया है ना कोई बात, आप किट पहुंचा रहे घरों तक लेकिन लोगों तक अब तक वो किट नहीं पहुंची है जो आइसोलेशन में घर पे है, और आप कहते हैं कि हम सरकार हमारा बहुत कुछ कर रही है लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा। सुदेश जी चलते चलते दो शब्दों में बता दीजिए क्या कहेंगे। मैं ये कहूंगी किसान अपने हकों के लिए वहां बैठे हुए हैं और किसानों के साथ अन्याय हुआ है, और जो कृषि कानूनों किसान हितैषी बिल्कुल भी नहीं है, और किसान जब तक एक कानून वापिस नहीं लेगी सरकार ऐसी डटे रहेंगे, और 24 तारीख को हम हिसार में फिर आ रहे हैं, अगर 24 तारीख को हमारे जो केस किए गए हैं धोखे से किए गए हैं, उस दिन हम आईजी के ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे, शाम तक बैठे हुए थे, मीटिंग में क्या बोला कि जो केस किसी भी आज केस नहीं किया जाएगा, सब किसान उठ के अपने अपने घर चले गए, अगले दिन उनके ऊपर FIR दर्ज होती है धोखे से, तो हम 24 तारीख को फिर हिसार आ रहे हैं, अगर उस दिन सरकार ने उनके केस वापिस नहीं लिए तो अगला कदम हम वो कड़ा उठाएंगे, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। सुदेश अनुसूरा जी एक छोटा सा शब्द मुझे बता दीजिए, आपके किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं आपस में मतभेद बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेके आप? मतभेद हमारे क्या है, मतभेद क्या है, क्या मतभेद हमारे उजागर करो, अगर होगा भी पहली बात तो है नहीं, लेकिन आप लोग आरोप लगा देते हो कि मतभेद है तो हम सुधारेंगे भाई, हमारा अंदरूनी मामला है, जैसे सरकार बोलती है अंदरूनी मामला किसानों के संगठनों के अंदरूनी मामले नहीं हो सकते क्या? हमारा भी
अगर कोई अंदरूनी मामला है हम सुधार लेंगे, लेकिन ये बयान निकाल दें कि ये फूट डाल देंगे हमारे अंदर, इस आंदोलन को बिखेर देंगे। रंग बिरंगा आंदोलन है, तरह तरह के लोग हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अलग अलग संगठन भी हैं। उसके अलावा डिबेट खत्म होने से पहले मैं एक बार सारे किसान भाई जो देख रहे हैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, हिसार के अंदर हमारे किसान बुजुर्गों को निहत्थे, जो लोग जानते भी नहीं थे कि मतलब कि आगे क्या होने वाला है, वो बिल्कुल मतलब खुशहाली से जा रहे थे कि अपने ही भाई हैं पुलिस वाले, बिल्कुल बेक इनोसेंट लोगों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर गोले माथे में आके लगे हैं। ये शर्मनाक है, ये तानाशाही है, इसकी जितनी भत्सरना की जाए वो मतलब कम है। मतलब हमसे देखा नहीं जा रहा था वो मंजर, क्योंकि मैंने ढोई है वो लोग, हमें ये नहीं पता था कि ये लोग बेहोश हुए या ये मतलब कैजुअलिटी हो गई है, ये हाल था उस दिन। जी थैंक यू। तो जी मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ। सुदेश गोयल जी आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे साथ बातचीत की। अनुसूरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों किसान नेता मेरे साथ बने हुए थे। एडवोकेट सुनील सोलर जी आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, अच्छे लीडर हैं बीजेपी का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड मुझे भी दे दीजिए कहने के लिए। जी सर काफी समय ज्यादा हो चुका आपसे, 10 मिनट ज्यादा हो चुकी आपके प्रोग्राम की। जी आप लोगों का दिल से धन्यवाद, आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप भी छोड़ थैंक यू जी। तो हमारे साथ यह बीजेपी और किसान नेता बने हुए थे और खास बातचीत में बेबाक तरीके से, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। आपके कमेंट का बेसर भी इंतजार रहता है कि साहब जो महिला लीडर थी वो सही बोल रही है, बीजेपी लीडर सही है, आपकी क्या राय इस बारे में, आपके बेसर आपका इंतजार रहता है। तो मैं मुन्ना लम्बा मेरे चौकी प्रिंस लम्बा के साथ हरियाणा न्यूज 24 स्टूडियो से लाइव थे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज 24। हम कल फिर किसी नए नेता नए लीडर के साथ रूबरू होंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हरियाणा न्यूज 24 जहां हर खबर मिले सच के साथ।